एंड जेंटलमैन, हम जा रहे हैं मॉल दिवाली की थोड़ी सी शॉपिंग करने। पौरुष की वेट हो रही है लिफ्ट के पास, तो हम कार में बैठ गए हैं क्योंकि पौरुष जी रेडी होने में देर लगाते हैं, जबकि टेक्निकली रेडी होने में मैंने देर लगाई। मैंने कोई देर नहीं लगाई, मैं तो वो कारपेंटर आया था उसके बाद कर रहा था। नहीं, आपने शूज पहनने में देर लगाई है, मैंने लिफ्ट बुला ली दूसरी बार तक आई फिर। एनीवे, कितना बुरा हुआ ना। अभी हम जा रहे हैं होम डेकोर का सामान लेने, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि तैयारियां चल रही हैं दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। बखूबी पंखे साफ हो चुके हैं, लाइट्स आ चुकी है मेन डोर के लिए, अब सफाई होंगी कल खूब सारी। और थोड़ा सा हम बेडशीट वगैरह और बोल्स घर में, मतलब हमारे पास इडली सांभर खाने के लिए अच्छे बोल्स भी हैं, तो वो भी मेरे मन में था कि ले लें। हमारे मन में तो ये था कि लोकल वेंडर जो होते हैं, जो सेरेमिक्स वगैरह ऑन द रोड ही दुकान लगा के बेच रहे होते हैं, उनसे ही ख़रीदेंगे ताकि उनकी दिवाली शायद थोड़ी ठीक निकले, क्योंकि उनके लिए तो ये रोटी का सवाल होता है और हमारे लिए सिर्फ लग्जरी का। सो वी डिडंट वांट टू बाय फ्रॉम फैबिंडे और एनीथिंग, बट हमारे को दो ही ऑप्शंस, मतलब दो ही दुकानें मिली और उसमें वो चीज़ें नहीं थी जो एग्जैक्टली हमें चाहिए थी, बट दे हैड रियली नाइस सेरेमिक स्टफ। पूरे सेट्स थे इनके पास जिसमें बोल्स वगैरह थे, और स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपीज़ से था, जिसमें सोप डिस्पेंसर्स वगैरह भी मिल रहे थे। भैया इससे बड़ा साइज है क्या? 4 पीस मिल जाएंगे उसमें? 4 पीस मिल जाएंगे इसमें इतनी सांभर खा रहे हैं? नहीं, तो बहुत छोटा है, एक बार यहाँ से भी देख लेंगे। फिर हम गए दूसरी शॉप पे, उस पर भी बहुत अमेजिंग स्टफ था, इनफैक्ट इस वाले पे ज़्यादा बेटर था। टर्किश टाइप की प्रिंट्स थे, टर्किश जैसे सेरेमिक्स होते हैं अगर आपने कभी देखा होगा, तो उस टाइप के प्रिंट्स थे और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पर और बहुत यूनिक चीज़ें थी, तो मुझे मन तो बहुत कर रहा था ख़रीदने का, बट मैं रुक गई यहाँ पर क्योंकि मुझे लगा कि वेस्ट नहीं कर सकते, जगह कम है स्टोरेज की। तो जो हम ढूंढ रहे थे बोल्स, उतने साइज के तो नहीं मिले, वैसे तो प्रिटी थे काफी, बट अब हम फैब इंडिया जा रहे हैं और वहाँ देखते हैं अगर वहाँ मिलता है तो। फिर हम फैब इंडिया गए सेकंड फ्लोर पे और वहाँ पर बहुत अमेजिंग सेरेमिक कलेक्शन थी, लेकिन हमें बेड कवर चाहिए था, एक सिंगल बेड कवर जो कि मैं दीवान पे सजाऊंगी और वो मैं होम टूर में आपको जरूर दिखाऊंगी। फैब इंडिया से ले ली हमने एक बेडशीट, हाफ बेडशीट जो कि हमें, सॉरी, बेड कवर दीवान पे लगाने के लिए। फैब इंडिया पे वही सेम चीजें हैं जो आप जयपुर या जोधपुर या जैसलमेर टाइप की ऐसी जगहों से लेके आओ, या जनपद पे भी मिल जाती है कई सारी सेम चीजें, 4,000-5,000 ऐसे पड़ी हुई है, और वैसे तो बहुत नीटली एंड वेल पुट होती है, लेकिन मन नहीं करता यार 4,000 का खरीदने का, लेकिन फिर भी ये हमें रीजनेबल पड़ा, अराउंड 1100 की ये पड़ी हमें, तो ठीक रहा। ज़्यादा वीडियो नहीं ली क्योंकि अंदर पता नहीं अलाउड था या नहीं, आई डोंट वांट टू एम्बैरस मायसेल्फ। फिर हम चले गए मॉल क्योंकि शॉपिंग अभी भी पूरी नहीं हुई थी, हमें होम सेंटर से भी कुछ कुछ चीज़ें ली। कॉफी लेके जाऊँगी ना? अच्छा, कॉफी तो लेके अंदर कुछ नहीं देंगे वो लोग, कॉफी पी के जाऊँगी ना, पहले कॉफी फॉर एनर्जी एंड देन शॉपिंग फॉर हैप्पीनेस। सो आई लाइक माई कॉफ़ी लिटिल स्ट्रॉन्ग एंड लिटिल कम मीठी, तो मैंने सोचा पहले कॉफ़ी पीते हैं, और उससे पहले हम कॉफ़ी ऑर्डर करके चले गए एंटी एंस की तरफ। सिनेमन भी यहीं पर है, बाथ एंड बॉडी वर्क्स, अगर आप मॉल ऑफ इंडिया में हो यहाँ के, आप वो ज़रूर ट्राई करना। प्रेजल स्टिक्स आते हैं, अमेजिंग होता है, 140 रुपीज़ या 120 रुपीज़ ऐसे ही कुछ में आते हैं, चीज़ के साथ मिलते हैं, एंड दे आर सुपर यम यार। ऐसे ब्रेड स्टिक्स होते हैं विच हैव लिटिल, थोड़ा मतलब अच्छा सा टेस्ट होता है, नमकीन जैसा, और मैं यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ चीज़ के साथ, इसका मज़ा ही चीज़ के साथ है। और अगर आपको बीच में भूख लग रही है ना, अगर आप शॉपिंग के बीच में कुछ खाना चाहते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव इन द मॉल, मतलब एक हर मॉल में अवेलेबल है अगर आप साकेत में हो तब भी। तो इसके बाद हमने कोस्टा कॉफ़ी इन्जॉय करी, पौरुष यूजुअली अमेरिकानो पीता है, मैं हमेशा कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ लिटिल स्ट्रॉन्ग। फिर मैं चली गई फॉरएवर 21 की, आप बताओ यार, आप लोग बताओ, डू यू अग्री कि बिल्कुल बेकार कलेक्शन हो गई है, नॉट इवन वन थिंग इज़ वर्थ बाइंग, आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन दिस, एंड इट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो जैसे अब ये वाली टी शर्ट मुझे अच्छी लगी क्योंकि जिम वेयर के लिए अच्छी है, यू कैन वेयर ब्रालेट्स और यू कैन वेयर स्पोर्ट्स ब्रा बीनीथ इट,
थोड़ा सा जो स्पोर्टी सेक्शन था, एथलेटिक्स वाला जो सेक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही, वो थोड़ा सा ठीक था, बट ओवरऑल बहुत ही मतलब मुझे बिल्कुल क्वालिटी कपड़े की अच्छी नहीं लगी, एंड 2000 से कम में कुछ नहीं मिल रहा था, और जो मिल रहा था वो सरोजनी नगर के 50 रुपये के भी लायक नहीं था। तो सरोजनी नगर में ना सेम टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं लिटरली, आई एम टेलिंग यू। मैं एक शॉर्ट्स लाई थी जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, वो एग्जैक्टली मैं 400 रुपीज़ की लाई थी अपने बास्केटबॉल खेलने के लिए, ये वाली एग्जैक्टली 400 रुपीज़ की, और ये 1200-1500 ऐसे ही कुछ होंगी। तो इसके जैसे कॉर्ड सेट्स बन रहे हैं, इवन ज़ारा वगैरह H&M वगैरह में भी ऐसी शॉर्ट्स पड़ी हुई थी। फिर टी शर्ट्स वगैरह बड़ी बेसिक, बड़ी फेडेड सी लुक ही नहीं आती। एक बार मैं ऐसे लगे नाइट सूट पहन लिया आपने, फॉरएवर 21 का ऐसा हाल है। थोड़ा सा 70% ऑफ वाला सेक्शन भी चल रहा था, लास्ट ऑफ द बेस्ट वाला, इसमें से कुछ कुछ मिल जाएगा, बट मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था कोई कलेक्शन देखिए। कोई लेटेस्ट कलेक्शन है, कार्टूनिश कलेक्शन है बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपको शो करती हूँ, ये जैसे मुझे ये पीच वाली और येलो वाली शॉर्ट्स अच्छी लगी, इसको कॉर्ड सेट बना सकते हो विद द सेम काइंड ऑफ ब्लेजर विद द सेम कलर, और बैग्स वगैरह भी ओके ओके हैं, बट लुक एट दिस कॉस्ट्यूम, दिस इज सच एन हॉरेंडस कॉस्ट्यूम, आई डोंट नो हु विल वेयर इट, आई एम नो ऑफेंस इफ समबडी इज़ वेयरिंग इट। तो जो शूज़ हैं वो उसमें एनिमल प्रिंट था, वो भी ज़्यादातर नहीं पहना जा सकता। फिर हम चले गए होम सेंटर में काफ़ी भीड़ थी क्योंकि दिवाली का डेकोरेशन वगैरह के लिए ऐसे फ्लावर्स वगैरह लोग खरीद रहे थे 499-699 अलग अलग टाइप के, और इनमें है भी मेरे पास वाइट और येलो में बोगनविला वाला है मेरे पास, तो 599 के आई थिंक एक सेट मिलता है, बट दे आर वर्थ इट क्योंकि काफ़ी रियल लुकिंग है। देन हम एक क्रॉकरी लेनी थी, सो वी स्टार्टेड चेकिंग आउट ऑल दिस। 700 ओनली होम सेंटर अगेन थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट आप थोड़ी बहुत सेल चलती रहती है कभी ना कभी, तभी आप जाके सिलेक्टेड आइटम्स ले सकते हो, बेटर ऑफ है कि आप अपने दिमाग में रखो कि आपको ये चीज़ पसंद आई थी ज़्यादा। ये सब मेड इन चाइना ही होता है 90% ऑफ द टाइम्स, इसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं जाके ज़रूर ख़राब होती होगी। 250 रुपये का है, 620 ml, लेकिन जब होम सेंटर में घुसो ना तो एक एक चीज़ मन करता है कि अपने घर में पूरा नया डेकोर कर दो, पूरा नया सेटअप कर दो, क्रॉकरी पूरी चेंज कर दो। तो ये कप्स वगैरह जो फ्लोरल प्रिंट्स और बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी, मतलब अलग अलग प्रिंट्स आए हुए थे जो कि मैं आपको दिखाती जाऊँगी कैसे कैसे प्रिंट्स थे। इनफैक्ट प्लेन चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं क्रॉकरी में, क्योंकि आप जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा मेंटेन करना। ये प्लेट्स जो हम देख रहे थे ये बैम्बू की बनी है, इसमें कॉफी मग्स वगैरह भी थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, 1100 के दो आ रहे थे, बट हमें लगा कि शायद सेफ ना हो। क्यों ये वाले बोल रहे थे? कौन से? वही बैम्बू वाले। हाँ ये तो ले रहे हैं, बट छोटी कटोरी जो ली है डेली यूज वाली वो इसलिए ली है क्योंकि मैं जाने को तैयार हूँ लेकिन पोरस भी हिल ही नहीं रहे, ये रहे डब्बे रखने के लिए। बहुत हल्का स्टील है यार, क्वालिटी इज़ नॉट गुड। भैया मैं थक चुकी हूँ यहाँ से चलने के लिए, ऊपर में शॉपिंग अभी बाकी है। बहुत सही लग रहे हैं यार ये तो, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये भी ऑनलाइन मिल जाता है अमेज़न पे, कितनी क्यूट कलर है, चेंज कर लेते हैं। ये सब बैम्बू की प्लेट्स हैं जो कि 899 ऐसे करके सेट्स थे, बट मुझे यही डाउट था, हमने ऑनलाइन देखा था तो उसमें लिखा हुआ था कि बैम्बू कैन ट्रांसफ़र सम काइंड ऑफ केमिकल टू योर बैम्बू प्लेट्स कैन ट्रांसफ़र सम काइंड ऑफ केमिकल टू योर फूड एंड इट्स नॉट सेफ, किसी आर्टिकल में लिखा होता, तो हमने चूज़ किया कि नहीं खरीदते। बट प्रिंट्स इतने प्रिटी थे बैम्बू वाली प्लेट्स में कि मन तो बहुत करा था, एंड ऐसे टाइप के जार्स वगैरह भी थे, ग्लास जार्स। देन 20% ऑफ चल रहा है कुछ कुछ ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली ये गैजेट्स सॉर्ट ऑफ व्हाटएवर यू कॉल देम,
So these things were on 20% discount and this was like 4000 का अब वो 3000 का है तो ऐसे करके बहुत सारे अच्छे prices थे and they were brand new only I think बिकॉज वो पड़े पड़े स्टॉक में पुराने लगने लग गए इसलिए उनको 20% डिस्काउंट पर डाल दिया गया अदरवाइज दे मस्ट बी वर्किंग प्रीटी फाइन आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको गिफ्ट भी करना है किसी को तो आप फ्रेश पैकिंग में करवा सकते हो ये चीज़ें फिर हमने H&M जाने का सोचा और उसके बाद H&M में रेड कलर काफ़ी आया हुआ है क्योंकि क्रिसमस फील है रेड एंड वाइट तो ये वाला जो झटैक रेड है ये काफ़ी चल रहा है मैंने दीपिका पादुकोण वगैरह को भी पहने हुए देखा है ऐसा रेड एंड ये एनुअल प्रिंट्स वगैरह भी काफ़ी आए हुए हैं शूज़ में हमने फॉरएवर 21 में देखा था इसमें देखा और यहाँ पर H&M में और भी एनिमल प्रिंट्स वगैरह पड़े थे मैंने आज तक हिम्मत नहीं करी है एनिमल प्रिंट पहनने की बट आई एम श्योर आई एम गोइंग टू बाय वन एनिमल प्रिंट का कुछ एक चीज़ और टॉप वगैरह कुछ भी ड्रेस आई थिंक विल बी टू मच फॉर मी यार कमेंट करके बताओ एम आई दी ओनली वन लाइक 3000 रुपीज़ का एक टॉप ऐसी ब्रांड जितने ज़्यादा स्किनी वगैरह चीज़ें ले आए हैं कि फॉर अस लाइक हेल्दी गर्ल्स हु हैव लैब्स एंड हु हैव प्रॉब्लमेटिक एरियाज उनके लिए तो कुछ खास सामान होता ही नहीं है ब्रांड्स में इफ़ यू वॉन्ट टू वन टाइम स्पेंड समथिंग तो 2500 का कोई क्यों खरीदेगा ना एंड इवन इफ लाइक स्मॉल क्रॉप टॉप्स इतने स्मॉल की कोई एरिया कवर ही ना हो सके तो अब मैं इसके पास ज़ारा गई एंड देन ज़ारा हैड नाइस कोट्स अच्छे कलेक्शन थी कोट्स और जैकेट्स की बट अगेन ज़ारा इज़ द सेम हैज़ द सेम प्रॉब्लम या तो प्रिंट्स बहुत ज़्यादा होंगे या फिर बिल्कुल स्किनी गर्ल्स के लिए कलेक्शन होगी आई रियली फील बैड गोइंग इन ज़ारा बिकॉज आई एम नो मोर अ स्किनी गर्ल आई हैव प्रॉब्लमेटिक एरियाज एंड आई रियली विश कि ऐसे सैटन टाइप की ड्रेसेस जो कि आपके टमी को ज़्यादा शो ऑफ कर देगी और टमी टकर्स पहनने पड़ेंगे ऐसी चीज़ें कौन पहन पाएगा यार नाउ ओके फाइन ओवर साइज्ड स्वेट शर्ट्स जो है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी 2790 की ऐसा ग्रीन कलर आजकल बहुत चल रहा है सो आई रियली वॉन्टेड टू बाई सच अ कलर एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल बट एक मिनट ये ज़रूर फिटनेस करके जाना आई वॉज ट्राइंग टू टेक अ शॉट ये बिटवीन द शॉर्ट्स का है कि मेरे साथ कोई ना कोई चलने लग जाता था और जैसे मैं शॉर्ट करने की कोशिश करती थी तो मेरी सारी शॉर्ट रह गई बट दिस इज़ काइंड ऑफ फनी एंड सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना व्हाट योर ओपिनियन इज़